जिला कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय में गुरुवार को एनएसयूआई के प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर की दखलअंदाजी से नाराज और धारा 52 लगाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में एनएसयूआई ने शुक्रवार को जिवाजी विश्वविद्यालय के गेट पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस धरने में कांग्रेस के विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राम धुन गाकर सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की। आपको बता दें कि गुरुवार को एनएसयूआई जब जिवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे, तभी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष शिवराज यादव को गिरफ्तार कर लिया था। यह छात्र ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। देखो, छात्रों और नेताओं का काम है छात्र हितों की लड़ाई लड़ना, और छात्र हितों की लड़ाई लड़ते समय अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और अगर छात्र नेताओं के साथ जुल्म करेगी, प्रशासन जुल्म करेगा, तो उस जुल्म का प्रतिकार कांग्रेस पार्टी करेगी। 152 लगाने की बात कही है, काफी लंबी समय से मांग चल रही है। नहीं नहीं, अभी देखते हैं क्या स्थिति बनेगी, जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से काम होगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।